नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। और लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें यानी कि अंतिम चरण के लिए वोटिंग चल रही है। तमाम जगहों पर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में भी सातवें चरण के लिए ही वोटिंग चल रही है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद कैंडिडेट हैं, तो वहां पे भी वोटिंग चल रही है। वहां के भी ताजा अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। लेकिन बात अगर बिहार की करें तो बिहार की 8 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और उसमें जो तमाम सीट है वहां के हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए आपको तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि इन 8 सीटों पर जो वोटिंग चल रही है उसमें कई VIP कैंडिडेट्स भी शामिल है और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और उनके लिए आज जो उनकी किस्मत होगी आज वो EVM में कैद हो जाएगी। सबसे पहले आप उन VIP कैंडिडेट्स की एक बार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लिस्ट दिखाते हैं कि कौन से VIP कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत आज EVM में कैद होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि पटना साहिब लोकसभा सीट की बात कर ले तो रविशंकर प्रसाद BJP की तरफ से उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा। अगर बात सासाराम की करें तो छेदी पासवान BJP की तरफ से और मीरा कुमार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। बात अगर जहानाबाद से कर ले तो सुरेंद्र यादव RJD के उम्मीदवार हैं, वहीं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को JDU ने अपना उम्मीदवार बताया है। ये वो VIP कैंडिडेट्स हैं। बात अगर काराकाट की कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा यहां से उम्मीदवार हैं, वहीं JDU की तरफ से महाबली सिंह यहां पर चुनावी मैदान में उनको कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। बात अगर नालंदा ही कर ले तो अशोक कुमार हम पार्टी के नेता उनको टिकट दिया गया है और बात अगर दूसरी तरफ JDU कर ले तो कौशलेंद्र कुमार निवर्तमान सांसद हैं उनको टिकट दिया गया है। बात अगर आरा कर ले तो RK सिंह वहां पर चुनावी मैदान में है BJP की तरफ से, वहीं माले की तरफ से राजू यादव चुनावी मैदान में है। बात अगर बक्सर की करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को एक बार फिर से BJP ने टिकट दिया है और राजद ने जगतानंद सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो ये वो कुछ VIP कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। हम आपको बता दें कि पाटलिपुत्र सीट की बात कर ले तो यहां से रामकृपाल यादव BJP के उम्मीदवार हैं, वहीं अगर बात राजद की कर ले तो मीसा भारती को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वोटिंग की अगर बात कर ले तो वोटिंग भी चल रही है, कहीं कहीं EVM खराब होने की खबरें भी आ रही हैं, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, सुरक्षा की भी काफी तैयारियां की गई हैं। हालांकि कहीं कहीं जो वोटर्स हैं उनमें थोड़ा सा रोष भी देखने को मिल रहा है, कहीं वोट का बहिष्कार भी हो रहा है तो कहीं लोगों में उत्साह काफी देखने को भी मिल रहा है। तमाम चीजों के लिए आज इन सब पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ गेस्ट पैनल है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं JDU के नेता सैयद सबीउद्दीन अहमद जी। सर आपका स्वागत है। हमारे साथ है महागठबंधन की तरफ से RLSP के नेता बबन यादव जी, आपका भी सर स्वागत है। सबसे पहले बबन यादव जी आपसे अगर सवाल करें तो जिस तरीके से 2019 का आज सातवां चरण जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले हमारा जो है बिहार के धरती पर ही पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उनको आवाम ने फुल माइंडेड देकर के फुल बहुमत उन्होंने वादा किया था, जो पूरे हिंदुस्तान को आवाम को और बिहार की जनता को कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, क्योंकि रोजगार तो दिए नहीं, मोबाइल सब कहाँ पे थमा दिए, बेरोजगारी दिखा दिए। सबसे पहला मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का है। अब बेरोजगारी के कारण ही बिहार में उनके खिलाफ मतदान पड़ रही है, इसलिए इस बार बिहार में मोदी लहर नहीं है बल्कि महागठबंधन की आंधी है। इस आंधी में मोदी लहर साफ रूप से खत्म होती दिख रही है। बिल्कुल, यही सवाल हम JDU नेता हमारे साथ सबीउद्दीन जी हैं। सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में इस समय का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश के लिए 24 घंटा काम करने का आश्वासन दिया और किया और जनता के बीच काम कर दिखाया, ठीक है जहां सरकार है वहां कुछ 19-20 होती है, लेकिन आप परसेंटेज निकालोगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार का काम लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, जिसका आज खामियाजा है कि हमें उम्मीद है कि हम लगभग 300 प्लस सीटों पर जीतने जा रहे हैं और बहुत ही मजबूती से सरकार बनने जा रहे, एक मजबूत भारत, एक विकसित बिहार। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के नेता, देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हमें उम्मीद है कि 23 तारीख को
हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से अपना झंडा गाड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार, जिस तरीके से बबन यादव जी भी कह रहे हैं कि रोजगार बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, रोजगार क्या वाकई में बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए, रोजगार तो हर चुनाव मुद्दा होता है, लेकिन इस बार रोजगार का मुद्दा कहाँ है, विकास का मुद्दा कहाँ है? हमारे विपक्षी दलों ने हमें या हमारे नेता पर जो कटाक्ष करना शुरू किया है, ये कहीं से भी राजनीति में अच्छा संदेश नहीं है। आप पॉलिटिक्स करते हो, मुद्दे राजनीति करो, आप विकास की बात करते हो तो विकास को उठाकर देख लो, आप जितना भी इंडेक्स इस मामले में भी आप चाहते हो। रहा सवाल के हमारे यहाँ जो अभी आपका एक प्रश्न था कि नौकरी, निश्चित रूप से नौकरी मिली है, कम मिली है जो हमारी अपेक्षा थी कि हमें बहुत 2 करोड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था, ठीक है, उसमें कमी आई है, लेकिन और दूसरे क्षेत्रों में हमने विकास किया है। जब आप अपना एनर्जी किसी एक तरफ लगाते हो तो दूसरी तरफ एनर्जी कम लगती है, जो हमने फिर वादा किया है कि आने वाले समय में अगर मैं फिर से भारत का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो निश्चित रूप से युवाओं का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। युवाओं का नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने कई भाषण में कहा है कि सिर्फ युवा ही नहीं, किसान भी, बेरोजगार नौजवान, किसान, पिछड़े, दलित, तमाम तबके के लोगों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसका उदाहरण है आपके सामने, आपने देखा हो कई ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाया है, लाई हैं, और उस योजनाओं के तहत आगे काम किया जाएगा। बबन यादव जी, ऐसा हर बार होता है, 2014 की बात कर ले, बात यही कही गई थी, इस बार भी बात यही कही। क्या लगता है कि अगर सरकार एनडीए की बनेगी या सरकार आपकी बनेगी, क्या इन मुद्दों पे काम किया जाएगा? सर, मुंगेरी लाल का हसीन सपना हमेशा दिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष भी यही करता। आपको मैं बता दे रहा हूँ, मनमोहन सिंह सरकार में जी 2.6 बेरोजगारी थी, इनके सरकार में 6.7 बेरोजगारी है, और हसीन सपने दिखा रहे विकास का। बिहार में क्या विकास हुआ है हमको बता दे भाई साहब, कहाँ कल कारखाना फैक्ट्री लगा है, कहाँ इंडस्ट्री उद्योग लगा है जिससे रोजगार बढ़ाने का काम किया गया, कहाँ इसके विकास, इसको कहते हैं? रह गया प्रधानमंत्री जी, न राम दिए, न रोजी दिए, न रोटी दिए, मोबाइल दिए, बेरोजगारी दिए, यही काम किए, बेरोजगारी दिए, हाँ, मोबाइल हाथ में थमा, बेरोजगारी दिए, मोबाइल में सबका हाथ थमा दिए, और जो मोबाइल थमा दिए, ये मोबाइल उनके लिए भस्मासुर का कारण बन गया, क्योंकि मोबाइल में नेट पर हर चीज दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सही, कौन झूठा, कौन गलत, सब दूध का दूध पानी पानी, बच्चे बच्चे देख रहे हैं, इसलिए इनकी सच्चाई का, इनका जो झूठा वादा खिलाफी का पूरा पोल खुल चुका है, इसलिए इस बार बहुत चिंतित हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं, इसलिए सातवीं चरण का चुनाव का इंतजार भी उन्होंने नहीं किया, आज झोला लेकर के, गेरुआ वस्त्र लेकर के सीधे केदारनाथ में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चले गए, एक दिन इंतजार नहीं किया उन्होंने कि हाँ भाई पहले सातवां चरण देख ले कि क्या हमारी जनता करती है, हम जनता के बीच में जाए, जनता से बड़ा भगवान उनके लिए कौन हो सकता है, लेकिन वो हार मान करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चले गए, जो जनता के साथ सारा सारी नाइंसाफी करने का हर काम में, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार के मामला हो, हाँ विकास उन्होंने किया, विकास क्या किया, 9,000 करोड़ का पार्टी कार्यालय बनाया उन्होंने, दूसरा 3,000 करोड़ का एक मूर्ति जो बनाया, क्या यहाँ अस्पताल नहीं खुल सकता था, यहाँ विश्वविद्यालय नहीं खुल सकता था, तो क्या विकास किया उन्होंने, सिर्फ एक राष्ट्र मुद्दा लिया उन्होंने, तो राष्ट्र मुद्दा में भी ना कम है। आज ग्राफ उठाकर देखिए कि सबसे ज्यादा अगर सेना मरी है तो इनके 5 सालों में मरी, आवाज भी मर रही है, पुलवामा में जो हमला हुआ ये सोची समझी साजिश थी, जबकि पहले भी सुरक्षा एजेंसी ने कह दिया गया था कि पुलवामा में हमला होने वाला है, सेना पर खतरा होने वाला है, उसकी बात छोड़ देते हैं। जिस तरीके से आप विकास की बात कर रहे हैं कि गुजरात की आपने बात कही, मूर्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है उसकी भी बारे में बात की आपने, और तमाम बातें की, सबीउद्दीन जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस तरीके से करके विकास नहीं किया गया है? और दूसरा, जिस तरीके से एक अलग सी बात निकल कर आई कि हाथों में मोबाइल देना, ये मोदी जी के लिए घातक हो गया है, क्या इस बात से आप सहमत? नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ। हमारे मित्र श्री बबन जी, हम लोग पुराने मित्र भी हैं जी, थोड़ा सा मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले इनका एक मामला आया कि विकास कहाँ हुआ है, कल कारखाने, बिल्कुल बिहार में भी पूछ रहा, बिहार जो कि मैं बिहार की बात कर रहा हूं। मेरे मित्र को शायद ये ज्ञान होगा भी कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हुए कहीं भी कल कारखाने नहीं लगते। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, बिहार के इंडेक्स को उठाकर देखो कि हमारा विकास दर क्या है,
जब हम उस लायक बनेंगे तभी तो हमारे यहां कलकारखाने लगेंगे। तो हमें जो बिहार पिछले कई वर्षों से लोगों ने लूटा खसोटा बर्बाद किया, यानी चाहे वो किसी भी सरकार को सिलेंडर बोल सिलेंडर बोलने की बात कर रहे हैं ये तो। कहां सिलेंडर बोल रहे हैं? सिलायक अब नहीं है, सिलेंडर बोल दिया। सिलायक होंगे तब आपने 40-50 साल नहीं 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 आप ऐसी बात नहीं बोलिए। आप पिछले 55-70 साल में बिहार को लूटा, बर्बाद कर दिया बिहार को, किसी लायक नहीं छोड़ा। जो भी इसमें कल खरगाने पुरजे या जो भी नौजवान साथी निचोड़ लिया आपने, बेचारे लाचार होकर प्रदेश दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्या आपको उस पर होश नहीं था? आज हमारे नेता 15 साल से है और विकास कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस का ही देन रहा कि कांग्रेस के नेता ने इस देश के लिए बलिदान बलिदान दिया है, लेकिन भाजपा के 4 दिन में क्या बलिदान दिया आपको बताइए। राजीव गांधी, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस भी पार्टी आप ही के सरकार तो अपनी बनी थी, पूर्ण बहुमत मिला था, क्यों नहीं आपने राम दिया, क्यों नहीं रोटी दिया, क्यों नहीं रोजी दिया? मैं यही बात आपसे पूछूं कि हमसे पहले 15 साल आपने राज किया, आपने क्या किया? पीछे के हम अभी के पीछे बनेंगे, हम अभी के चारूबंदी किया, नोटबंदी किया, GST कर लगाया, जनता है मस्त हो रहा है। कोई भी अच्छे काम करने के लिए समय लगता है, क्या अच्छा कर दी से काम नहीं तो सर वो दिन अच्छे काम देखिए अच्छा तो भाई देखिए करके सबीउद्दीन जी, ये आप कि आपकी सरकार पे आरोप ये विपक्ष लगाए या फिर जनता या फिर हम अगर पब्लिक के पास जाते हैं तो उसका यही कहना है कि शराबबंदी हुई है दिखाने के लिए हुई है। साइड में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी शराबबंदी नहीं दिखाई देती है। फिर ये शराबबंदी खेला खेला जाता शराबबंदी में, शर्म बता रहे हैं। मैं जरा सवाल कंप्लीट कर लूं, पब्लिक ओपिनियन मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक ओपिनियन हम करते हैं, हम लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं मुद्दों पर, और हमने राय जानने की इस लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की कि क्या शराबबंदी एक बड़ा यहां पर मुहिम के तहत या फिर क्या इसको जेडीयू को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या शराबबंदी दिखती है? क्या शराबबंदी सिर्फ ढोंग है? लोगों का यह कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कागजी दिखावा। अच्छा। मैं आपको उसका थोड़ा सा एक मिसाल दे देता हूं। पिछले 2-3 वर्षों में शराब को लेकर के जितनी हत्याएं हुई, जितना बलात्कार हुआ, जितना लूट हुआ, जितनी डकैतियां हुई, पी करके आते थे लोग और पत्नी को बच्चे को मार पीट करते थे, बच्चे बच्चियां इस लायक नहीं थे कि स्कूल जाए। बिल्कुल। आज वो स्थिति क्या है बिहार में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ। मैं बताता हूं इस पर नहीं सर, शराब पर हम बता रहे हैं। मेरी सोच और मेरा उसको साइड में रखते हैं, हम पब्लिक की बात करते हैं। पब्लिक पब्लिक के माध्यम से हमने शराब रिसर्च किया है, हमने पब्लिक पब्लिक ने भी व्यापारियों से भी हमने पूछा है। कंप्लीट कर लूं, पब्लिक ने यह भी कहा कि हाँ कुछ तो हुआ है, लेकिन शराबबंदी पूर्ण तरीके से जिस तरीके से कहा जाता है वो कहीं दिखाई नहीं देता। आपने सही कहा, हमारे कुछ पदाधिकारी हैं ऐसे जिन पर हमने लगाम लगाया है, हमारे नेता ने लगाम लगाया है और उसका खमियाजा आपके सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कितने लोग पकड़े गए, जेल गए, सस्पेंड हुए। तो जब कुछ सुधार का काम चलता है तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है लगता जिसमें है। आपको शराब के क्या स्थिति है, क्या कैसे बिजनेस वो करते हैं बता रहे हैं आपको। शराब 3 खेमा में निकलता है, यूपी से, झारखंड बॉर्डर से। एक खेमा जो होता है शासन प्रशासन नेता के घर जाता है, एक खेमा रेड होने के लिए होती है, जो रेड कर करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है रेड हुआ, और एक खेमा सेल के लिए होती है जो 200 के बोतल 1500 में दी जाती है। 2 खेमा अगर लॉस भी चल गया तो भी 3रा खेमा में उसको फायदा होता है। और अब डिलीवरी होती है शराब जो है होम डिलीवरी होती है, इसका फायदा सरकार को डायरेक्ट पॉकेट में जाता है, भाई साहब जो लोग पीते थे आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े लोग पी रहे हैं आराम से होम डिलीवरी में, लेकिन जो गरीब तबके के लोग मजदूर तबके के लोग थे जो दिन भर खटते थे एक पुआ पी कर करके घर में सोते थकावट मिटाते थे और आराम से बिहार में अपना ड्यूटी करते थे, आज क्या है नहीं मिलने पर वो शराब के कारण छोड़ के चला गया बिहार से बाहर, पलायन कर गया, वो है ही नहीं बिहार में, और उनका पति बच्चा अपने पति के लिए अपने
पापा के लिए तरस रहे कि हम उनका चेहरा देखे। अब बेचारा बिहार से दिल्ली और गाजियाबाद और मैंने हरियाणा सब जाकर कमाई कर रहा है, लेकिन अपने बाल बच्चों से महरूम हो चुका है। पूरे बेचारे मजदूर टाइप के लोग पलायन कर गए हैं, आज खेत में खेती करने के लिए धान उगाने के लिए लेबर और मजदूर नहीं मिल रहा है लोगों। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि शराब के कारण लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो गरीब तक नहीं है कि ये नहीं करो जिसको एक बड़े लोग पिला सकते हैं। एक सवाल है बाबन यादव जी आपसे, मेरा एक सवाल है कि आपने तमाम तीन फैक्टर बताए मुझे कि किस तरीके की यहाँ पर सप्लाई हो रही है, इसका मतलब कि या तो आपके पास पूर्ण तरीके से जानकारी होगी या फिर किसी की वजह से जानकारी है, या आपने इस बारे में किसी अधिकारी की बात कर ले, या फिर सीएम नीतीश कुमार खुद ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से किसी को जानकारी हो तो वो जानकारी दी जाए ताकि इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ने उनके एक जनसंवाद कार्यक्रम में सीधे तौर पर यह सवाल किया था, उनके सामने तमाम लोग वहां पर तमाम अधिकारी थे और हमारे रिपोर्टर ने यह सवाल किया था कि आपकी शराबबंदी शाम होते ही फेल हो जाती है। नीतीश कुमार जी ने यह कहा था कि अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो वो हमें प्रोवाइड करे, उस पर काम होता है। इसको खबर क्या इस, नहीं, मैं इस तरीके से आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये फैक्ट है कि अगर सूचना देने पर कार्रवाई होती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने कभी सूचना दी है? सूचना किसको देने के मतलब मुख्यमंत्री होती है, चाहे वो अपना विभाग की है। आज लालू यादव के हर गरीब को जेल में है, लालू यादव जैसे मिलने वाले मुख्यमंत्री नहीं है जो हर गरीब को इनको विधायक मंत्री को मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल की छवि ही आज महागठबंधन के आड़े आ रही है? लालू यादव आपको नहीं लगता है? लालू यादव गरीबों दलितों शोषितों अल्पसंख्यकों का नेता, महान नेता थे। वो जब डेवलपमेंट करने के लिए सड़कों पर चौड़ीकरण करने के लिए सौंदर्यीकरण के लिए चले, उनको साजिश के तहत फंसाया गया और सब बहुत सारे वीआरपी के नेता फंसे, सब लोगों को बेल मिल गया, लेकिन इनको जेल मिला क्योंकि इनसे लोगों को डर था। तो ये क्या, था। क्या क्या जिस तरीके से अब कोर्ट अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसको भी ये कहा जाए कि साजिश के तहत की गई है, तो इसका सुप्रीम कोर्ट का मुट्ठी में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को भी फंसाने का कोशिश कर रहा था नरेंद्र मोदी जी, उनको भी फंसा रहे थे। यौन शोषण एक संवैधानिक संस्था पे आप सीधे कह रहे हैं कि वो या तो मोदी के आगे झुकी हुई है या नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए पहले लोकतंत्र था ना, अभी लोकतंत्र है ना, अब मोदी जी का अगर सरकार बनी तो जान लीजिए कि पूरा देश खत्म होगा, लोकतंत्र खत्म होगा, तंत्र लोकाजा हो भी हो जाएगा, जो कि गरीब गुरबा समाज सेवक टाइप के लोग अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप देखेंगे इतिहास उठा के देखिए, अभी जितना अरबपति खरबपति करोड़पति है कोई गरीब गुरबा नहीं है, तो गरीब गुरबा कहां जाएगा सर? नहीं, मैंने एक बार इस पे भी डिबेट किया था, मैंने महागठबंधन और जो एनडीए थे उनके दो नेताओं को मैंने बुलाकर यही सवाल पूछा था कि 70 साल से जब से हम आजाद हैं तब से सरकारें बन रही हैं और तब से मैनिफेस्टो आ रहे हैं, और सारे मैनिफेस्टो में और आज के भी जो 2019 का आपका भी मैनिफेस्टो हो या आपका भी मैनिफेस्टो हो, दोनों में गरीबी और गरीबी उत्थान की बात की जा रही है। 70 साल हमें लग गए गरीबों के उत्थान करने में और उनकी गरीबी दूर करने में, और आज भी हम अगर बात कर रहे हैं तो उसी गरीब और उसी उत्थान की बात कर रहे हैं, दोनों आप दोनों के मैनिफेस्टो में है। तो मैं उस समय भी यह समझना चाह रहा था या अपने दर्शकों को यह बताना चाह रहा था कि सारी पार्टियां गरीबी और गरीबी उत्थान की बात करती हैं, लेकिन क्या वाकई में उनके कार्यकाल में कोई भी गरीबी या गरीबी उत्थान को लेकर कार्य होता है? क्या वो अगर होता भी है तो क्या वो फील्ड में, ऑन फील्ड मैं पूछ रहा हूं, क्या दिखता है? क्योंकि अगर दिखता तो वाकई में आज गरीबी और गरीबी उत्थान की बात नहीं होती। आपको ज्ञात होगा सर कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी एमपीओ को एक गांव गोद लेने के लिए बोला था जी, लेकिन जो जो गांव गोद लिया गया सिर्फ कागज पर ही रह गया, कोई विकास नहीं हुआ। इन्होंने भाई हमारे कहे कि विकास के भी सांसद है सर, हम खा कर हैं और उसमें एनडीए पे गए, तो जो भी ऐसा किए हैं तो जो जमीनी सांसद है वो काम किया है, जो जमीनी नहीं है हाई फाई है जो करोड़पति या पति सोना के चमच लेकर पैदा लिए वो काम नहीं किए हैं जीत गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक सेंटिमेंटल मुद्दा होता है, इमोशनल मुद्दा होता है, कोई ना कोई जैसे भी राष्ट्र मुद्दा बना ली, देखो कि विकास तो कर नहीं सके पांच साल में, एक तो राष्ट्रीय मुद्दा निकाल लिए कि हम आतंकवाद भी पर, हम कहते पुलवामा में इतना लोग मरे 40 लोग मरे सबने देखा, श्रीलंका में सारे पवन जी बोलने से कुछ नहीं होता है, आपके पास है सर सुना जाए तो बोलेगा कंप्लीट करने दीजिए उसके बाद सुना जाए, मर गया लोग देखा, लेकिन जब पाकिस्तान में हमला हुआ तो दुनिया देखा कि टीवी में दिखाए थे आप लोग कि जंगल में पहाड़ में हमला हो रहा था, किसी आतंकवादी पर हमला नहीं दिखाया, नहीं सबूत मिला, ये जो हम बात कर रहे हैं 300 जो हमला हुआ मरा
तो कोई सिर क्यों नहीं देखा? जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, सिर्फ भाजपा की आंखों नहीं देखा। बबन यादव जी, बबन यादव जी, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ। और पाकिस्तान ने उसके बाद कुछ समय के बाद, मुझे तो वो एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन लगभग 30 या 40 दिनों के बाद उसने बालाकोट में जो वहाँ पर मदरसा था, तमाम जर्नलिस्ट को वहाँ वो ले गए थे और बजाबते पूरी सेना गई थी पाकिस्तान की, और उसके अंडर में जर्नलिस्ट गए थे और उनको एक रोड से ले जाया गया, और उस रोड के ले जाने के बाद वो मदरसा दिखाया गया जहाँ भारत ने कहा था कि हमला हुआ है। बड़े सवाल वहां पर पत्रकारों ने ये उठाए थे कि जब उन लोगों ने लोगों से बात करने की कोशिश की तो सेना ने रोका कि आप यहां बात नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपना सच ही दिखाना चाहता था तो वहां पत्रकारों तो खुले तौर पे क्यों नहीं जाने दिया गया? वहां पे आखिर रोक किस लिए थी? वहां पर सेना आखिर सुरक्षा किस लिए कर रही थी? तमाम सवाल खड़े होते थे। लेकिन सवाल वहां पर एक भी पत्रकारों ने यह भी बताया कि जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी लग रही थी, उसमें किसी तरीके से नयापन नहीं दिख रहा था। तो सवाल और मुद्दे कई हैं, लेकिन ये भी है कि आखिर पत्रकारों तो वहां पे छूट क्यों नहीं दी गई लोगों से बात करने के लिए? हो सकता हो, लेकिन मीडिया ने तो सब टीवी पर दिखाया, तो जो बम गिराया जा रहा था वो साफ दिख रहा था कि जंगल और पहाड़ पर गिर रहा है। बिल्कुल, वो ग्राफिक्स के जरिए हो सकता है कि दिखाया जा रहे हो, या फिर जो हो, भारत सरकार ने इसी तरीके का कोई भी वीडियो अपने तरफ से शेयर नहीं किया। ये मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ऑथेंटिक ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये नहीं हुआ था सोशल मीडिया पे। हम आप सोशल मीडिया, लेकिन वो 350 कब कहां दिखाया गया? हां, ये नहीं दिखाया गया, इस पे आप सवाल दिखाया जाता ना, ये आप इस पे सवाल कर सकते हैं और ये सरकार से करना चाहता है कि जैसे मोहम्मद मंसूर के लिए जहां तक यहां लड़ाई हल्ला हंगामा जो तौबा चल रही है, मैंने कि काफी खलबली मची हुई है, तो हमारे कांग्रेस सरकार ने उसे तो जेल में बंद कर दिया था। आपकी सरकार ने ही तो उसे कंधार में ले जाके छोड़ दिया, आज उसी से आतंकवादी फैला हुआ है। आपने क्यों छोड़ा? बिल्कुल, क्यों छोड़ा आपने? चलिए थोड़ा सा पीछे, बहुत हम लोग हो गए 70 साल से भी, 28 साल पुराना चले गए मनमोहन नरेंद्र मोदी जी और राजीव गांधी जी पर उंगली उठाए कि बोफोर्स में दोषी है। देखिए, बोफोर्स में क्लीन चिट पाए गए थे वो, बिल्कुल, उसके बावजूद भी बताइए। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बलिदान को आरोपित नहीं, किसी का बलिदान अगर देश के लिए है तो उसे न्यूज 11 सलाम करता है, चाहे वो एक आम आदमी हो या सेना हो या फिर कोई नेता हो, अगर उसका बलिदान है तो उसको न्यूज 11 सलाम करता है। यहाँ एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बातचीत करेंगे थोड़ा सा आज के माहौल के बारे में, महिलाओं पर किस तरीके से उनकी भागीदारी बढ़ी रही है उस पर भी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बात करेंगे आज के डेट में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी पर, जिस तरीके से सातवें चरण या फिर 2019 के जो टोटल अगर चरणों की बात कर ले तो इसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़ी है, और साथ ही साथ मत का प्रतिशत भी उसमें भी काफी इजाफा आया हो, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे
कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव ये जो सातवें चरण की मत चल रही है उसमें बारे में बातचीत कर रहे थे। थोड़ी बात पीछे भी गई, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ, सरकार और विपक्ष किस तरीके से अपना काम कर रहा है। लेकिन ब्रेक के इस पार हम बातचीत करेंगे महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर, किस तरीके से महिलाओं ने अपनी भागीदारी को समझा है और किस तरीके से वो अपने अधिकार को समझते हुए अब आगे बढ़ रही है। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, हम एक बार फिर से जुड़ते हैं। जिस तरीके से सबीउद्दीन जी, महिलाओं की भागीदारी इस जो अगर सातवें चरण की बात कर ले तो सुबह से ही हम अपने रिपोर्टर्स से पूछ रहे हैं, उनका यह कहना है कि महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही सेम चीज हमने एक से लेकर छठे चरणों में बातचीत की, जहां भी वोटिंग हुआ वहां पर बिहार में अगर बात करें तो यहां पर महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को आप कैसे देखते हैं या जदयू कैसे देखता है? देखिए, पूरे देश में आधी आबादी महिलाओं की है जी, और जिस तरह से हमारी सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम लाए हैं, जिसमें बहुत तेजी से काम चल भी रहा है और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है, जो आज महिला इतना जागरूक और सशक्त हुई हैं वो सिर्फ इन कार्यक्रम के कारण, चूंकि कल तक उनको कुछ जानकारी नहीं थी कि उनको क्या करना है, आज उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। हमारी कुछ वर्कर, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, उनके बीच जाते हैं, उनको बताते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़ो, तो निश्चित रूप से इसका फल हमें इस चुनाव में देखने को मिल रहा है पूरे देश के पैमाने पर, कि ये महिलाएं आज मजबूती से निकल करके अपने विचार के हिसाब से अपने अपने पार्टियों को वोट कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारा वोट हमारी पार्टी को मिल रहा है, मैं ये पूछ रही हूं, लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हर आदमी का अपना अपना विचार है। बिल्कुल, तो कल तक ये विचार उनके मन में नहीं था, लेकिन आज ये विचार क्यों आया, इसका रीजन चूंकि हमने उनको सशक्त बनाया, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने उनके लिए कार्यक्रम लाए, उनको बताया, समझाया, और जिसका परिणाम है कि आज वो महिलाएं सशक्त हैं, जिसका रिजल्ट आप देखने को उम्मीद है कि 23 तारीख को आप देखेंगे, जो परसेंटेज हाई हुआ है वोटिंग का, उसका एक मुख्य कारण ये भी है। बाबा नियाजी जी, एक पॉजिटिव हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, हम अभी विपक्ष की भूमिका आपसे नहीं चाहेंगे, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को आरएलएसपी कैसे देखती है या फिर महागठबंधन कैसे देखती है? देखिए सर, महिला अबला नहीं रही, महिला जो है महंगाई के मार झेली और खास करके महंगाई के मार झेलते हुए भी शिक्षा के तरफ अपना जागरूकता बढ़ाई और खास करके शैक्षणिक होने के नाते एक दूसरे को समझाने का काम किया कि आज जो पीड़ित महिला हैं, शोषित महिला हैं, जो महंगाई के कारण झुग्गी झोपड़ी में रहने को विवश हैं, उनको हक हकूक मान सम्मान कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा वोट के आधार पर मिलेगा, ये वोट के आधार पर मिलेगा। तो उनमें जो जागरूकता आई है अपना हक लेने के लिए, वो अपने अपने घर से एक त्यौहार मान करके, मतदान एक त्यौहार मान करके कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, उन्होंने इस बात को स्वीकार करके उन्हें अपना मतदान केंद्र पर जाकर के लाइन लगा करके पूर्ण रूप से अपना वोट देकर के अपना अधिकार पाने की उन्होंने जरूरत समझा। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने मतदान में आपने देखा होगा कि जो 50% हमारी महिलाएं हैं, जो आधे की भागीदारी है, उन्होंने अपना हक दिखाया है और अपना वोट देकर के अपना जो हक दिखाया है वो 23 तारीख को उनका हक मिलने जा रहा है, सामने आएगा, वो सामने आ जाएगा। क्या महागठबंधन महिलाओं की बढ़ती भागीदारी या फिर जिस तरीके से महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए हैं, मतलब महिलाओं ने बूथ पर जाकर अपने वोट का प्रयोग किया है, इस वजह से भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, क्या ये बढ़े हुए मतदान प्रतिशत में महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? बढ़े हुए मतदान में आप देखेंगे लाइन में, लाइन से पता चल जाता है कि कौन गरीब गुरबा है, कौन हाई फाई है, तो जितने गरीब गुरबा के लाइन जो लंबा होती है वो सब महागठबंधन की ओर इशारा करती है। मतलब आप कह रहे हैं कि अमीर आपके साथ नहीं है? अमीर नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खास के गरीब गुरबा के जो संख्या बढ़ी है, ऊपर जो पहले नहीं जाने दिया जाता था, पहले घर में ही रख दिया जाता, दबंग लोग जो है, सामंत विचारधारा के लोग जो है, उनको निकलने नहीं दिया जाता था, अब वो हौसला कर करके निकली है सोशल मीडिया, टीवी, प्रचार प्रचार देख करके, तो उनमें एक साहस हौसला हुआ है, अब वो सबको निकले, कितनी महिला जानती नहीं थी कि वोट कैसे होता है,
इस बार निकल करके अपना वोट का पहचान दी है और अपना अधिकार दिखाई है कि हम भी किसी से कम नहीं है और अपना वोट देकर के अपना मान सम्मान पाने का काम की है। बिल्कुल, आप कुछ कहें इसमें? मैं कुछ बताना चाहूंगा जी। अभी जैसा इन्होंने बताया जी कि निकलने नहीं दिया जाता था, अब महिलाएं गरीब गुरबा निकल रही हैं। 15 साल तक इनकी सरकार में जिस तरह 15 साल 30 साल हो गया, वो 30 साल हो गया, 15 साल का 15 साल आपकी सरकार थी, पूरा इतिहास बता रहा हूं। 15 साल में तो आपकी 30 साल पीछे जा रहा है, 15 साल हो रहे हैं मेरा सरकार बता रहा हूं। 30 साल की देखिए आपने कहा बहुत पीछे जा रहा है, 30 साल पहले अपडेट भी सुन लीजिए, आज की बात आ रहे। अरे भवन जी, सिविलियन घोटाला हुई, सिविलियन घोटाला हुई, यहाँ जो बलात्कार हो रहा है आपकी सरकार में 15 साल हमारी सरकार में गरीबों दलितों से आवाज आया, किसी सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, वो आपकी सरकार की देन। आज सरकार की हमारी सरकार की देन है, उठा के जा सकते हैं कि मैं बिहारी हूँ। हत्या होता है, कंप्लीट कर लीजिए महिलाओं में, लेकिन आपकी सरकार घिरती है और वो घिरने का कारण जिस तरीके से बालिका गृह कांड हुआ उसमें जदयू की सरकार पूरी तरीके से घिरती है। मेरी बात को पहले सुन लीजिए, आप फिर जवाब दीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे प्राधिकारियों ने कुछ गलती की, क्यों नहीं सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आज आजादी को 70 साल हो गए, क्या ये सबसे बड़ा बलात्कार कांड है? ये इससे बड़ा बलात्कार और नहीं हुआ है? नहीं, इससे बड़ा नहीं हुआ है। तो आप जब ऐसी बात बोलते हैं कि हमारी बालिका गृह में भाई हमारे मंत्री है, वहां पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मंत्री है क्योंकि वो मंत्रालय उनके हाथ में था, इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया। उनका पति थे ना? अरे भाई तो क्यों रिजाइन दिया? पूरा समय दूंगा मैं आपको, पूरा समय दूंगा। आप बोल रहे थे जी, देखिए आज का मैं इनको बता रहा हूं जी, जो इन्होंने कहा कि गरीब गुरबा को वोट देने नहीं दिया था। आज पाटलिपुत्रा में रामकृपाल जी के वोटर को निकलने नहीं दिया जा रहा है, आज का रामकृपाल जी का ये क्लेम है। इनका गलत सवाल है, सवाल नहीं आया पर अखबार निकाल के देख लीजिए, आपका न्यूज देख लीजिए, कोई नहीं निकलने देता है। सरकार आपकी है, आपकी प्रशासन आपका है, और क्या रही है भाई? आप अपने प्रशासन से बड़ा गुंडा तो हो ही नहीं सकता कोई। भवन यादव जी, नहीं नहीं, जो सच्चाई उसमें एक्सेप्ट, प्रशासन से बड़ा गुंडा तो हो ही नहीं सकता कोई, पैदा ही नहीं है प्रशासन के मुकाबले कोई गुंडा कर ले। मैं जितना जानता हूँ, चुनाव जब से आचार संहिता लागू होती है सरकार किसी तरीके से काम नहीं करती, वो अपना काम करती है, प्रशासन पूरी तरीके से चुनाव आयोग के, प्रशासन तो लगाया गया है ना, वो चुनाव आयोग देखने वाला है। और वाकई में अगर उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है तो वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। रामकृपाल यादव ने भी कहा, हमने भी ये खबर चलाई है, वो खुद कह रहे हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है, हम बढ़ती हुई भागीदारी पे बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास समय का बहुत कम समय बचा हुआ है। छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि आप आज के वोटर्स की क्या अपील करना चाहेंगे, छोटी सी टिप्पणी। हम आज के वोटर्स यही कहेंगे जो सामाजिक न्याय की ओर चले, सबको अन्याय के खिलाफ लड़के न्याय दिलाने के काम करे, विकास करे, लोगों को रोजी रोटी दे, सम्मान दे, वैसे सरकार बनाना चाहिए, मजबूत सरकार बनाना चाहिए। जो सरकार महागठबंधन ही बना सकती है, राहुल गांधी बना सकती है, जो कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में 3 राज्य जीतने का काम किया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। उन्होंने वादा किया था किसानों से कि अगर हम जीत गए तो 10 दिनों में किसान का ऋण माफ करेंगे, और 2 दिनों में ऋण माफ करने का काम किया। वैसे सच्चा ईमानदार लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि जुमलावादी करने वाला का सरकार बनना चाहिए। सबीउद्दीन जी, किस तरीके से आज आप लोगों से अपील करेंगे? आज मत भी चल रहा है और इस पर किस तरीके, देखिए छोटी सी टिप्पणी। दो बातें प्रमुखता से मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा अभी राष्ट्रीय मुद्दा है, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर भी, और जो देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वो मैं ये नहीं कहता कि यही बहुत बड़े 30 मार्खा हैं, इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं होगा, लेकिन आज के दौर में, आज के परिवेश में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, इसकी इज्जत बढ़ाई है, इसका पूरा धाक जमाया है पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में नहीं, मैं पूरे दुनिया में बताता हूं कि आज भारत की एक अपनी इज्जत है जी। पहले भी इज्जत थी, लेकिन पहले हम थोड़ा सकपकाए थे,
थोड़ा कॉर्नर वाले मतलब इस बार राष्ट्रीय जो मुद्दा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत मजबूत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह पे भारत बहुत मजबूती से खड़ा है। बिल्कुल, लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि समय लोग से मेरा ये अपील है कि आप एक बार फिर मोदी सरकार को वोट दीजिए, एक मौका और दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको मतलब एक बार सोचने की जरूरत या कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा 80% काम हो चुका है, 20% के मैं आपसे समय मांग रहा हूं, ये 5 वर्ष और मुझे चाहिए भारत को मजबूत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, और जो बेरोजगारी किसान की समस्याएं हैं या किसी भी तरह की समस्या है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में दूर की जाएगी। फिलहाल आप दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आज बात की कि किस तरीके से मतदान चल रहा है, क्या कुछ किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भी हमने बातचीत की, और तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की कि आखिर विपक्ष किस तरीके से इस चुनाव में लड़ रहा है, और एनडीए की बात कर ले तो एनडीए किस मुद्दों के साथ लड़ रहा है, उसकी क्या उपलब्धियां रही है, तमाम बातें की। लेकिन फिलहाल इस आज के 7वें चरण के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको लगातार 7वें चरण के अपडेट देते रहेंगे। बन रहे हमारे साथ, तो देखते रहे न्यूज़ 11, लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।